जन्माष्टमी पर कोरोना का संकट, कृष्ण भक्तों के लिए सील हुई मथुरा, 39 जगहों पर लगाए गए बैरियर, उत्सव जैसा माहौल दिखे इसलिए 20 चौराहों को सजाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश ही नहीं दुनिया भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। हर साल ब्रिज में जन्माष्टमी के मौके पर काफी धूम रहती है, लेकिन इस बार लोगों ने कार्यक्रमों से दूरी बना ली। पिछली बार जन्माष्टमी 23 अगस्त को पड़ी थी, उस समय शहर के चौराहे को रंग बिरंगे झालारों से सजाया गया था। हर नुक्कड़ पर 10 राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। वृंदावन से लेकर मथुरा तक इतने सैलानी थे कि शहर में गाड़ी चलाने की जगह नहीं थी। योगी सरकार ने 2019 को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया था, समय वही है, लेकिन कोरोना संकट के समय मथुरा में सन्नाटा पसरा है। प्रशासन ने मथुरा को सील कर दिया। 13 अगस्त तक मथुरा में किसी भी बाहरी जिले के व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। 20 चौराहों को सजाया गया है। कृष्ण जन्मोत्सव के वक्त उत्साह बन रहा, इसके लिए नगर निगम कोई जिम्मेदारी दी गई है कि यूपी भ्रष्ट तीर्थ विकास परिषद के सीईओ नागेंद्र प्रताप ने बताया कि नगर निगम द्वारा 20 चौराहों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है। इस साल कोरोना संकट को देखते हुए भक्तों से मथुरा न आने की अपील की गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बहुत सी योजनाएं थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अब मंदिरों के बंद कपाट के पीछे ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण नमस्थान से होगा लाइव टेलीकास्ट। यूपी भ्रष्ट तीर्थ विकास परिषद के सीईओ नागेंद्र प्रसाद ने बताया, यूं तो मथुरा के सभी मंदिरों को भक्त के लिए बंद किया गया है, लेकिन श्री कृष्ण नमस्थान से जन्मोत्सव का लाइव टीवी पर प्रसारण किया जाएगा। इसे भक्त लाइव अपने आराध्य को देख सकेंगे। रिपोर्ट खबरी बाबू।